रो पीरो, अब मैं तुम्हें अपनी सारी पावर्स दे रहा हूँ, फिर तुम नूबड़े से प्रो हो जाओगे। अबे ओ, मैं पहले से ही प्रो हूँ, आगे से मुझे नूब मत बोल दियो। रो पीरो, तुम गुस्सा मत करो, ये वैनम तो पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। तुम बस हम दोनों की पावर्स लेने के लिए रेडी हो जाओ। अरे वैनम फ्लैश, कहाँ पर हो तुम? आयरन मैन तुम्हें ढूंढ रहा है, जल्दी से भाग जाओ नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से, वरना आयरन मैन मेरी पुंगी बजा देगा और मेरी तो वो चड्डी फाड़ देगा। मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ भाग गए ये दोनों? अब मुझे पावर्स कौन देगा? मैं दूं क्या तेरे को पावर्स? तेरे पे कौन सी पावर्स है जो तू मेरे को देगा? मेरे पास पात मारने की पावर्स है। ऐसी महान पावर्स तू अपने पास ही रख और अपने बच्चों को भी दियो। गाइस, इस आयरन मैन की वजह से मेरे को पावर्स नहीं मिली, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये आयरन मैन अभी तक आया क्यों नहीं? इसे तो मैंने यहीं पे बुलाया था। लगता है गाइस वो मुझसे डर गया। रो फिरो, मुझे मिली है बहुत सारी पावर, इसी बात पे तुम मुक्का खा ये ले। गाइस, सुपर हीरो यहाँ पे कैसे आ गया और इसने मुझे मार कैसे दिया? अब तो बेटे तू गया, ये ले। अरे मेरे को जगकर क्यों आ रहे हैं नीले पकोड़े? मेरे पास तेरे से भी ज्यादा पावर्स है। बस अब बहुत हो गया, मेरे को भी पावर्स चाहिए। मुझे आयरन मैन का पता लगाना पड़ेगा, उसकी वजह से फ्लैश और वैनम डर के भाग गए। गाइस, ये तो आयरन मैन है और वो भी टिप्सन के पास खड़ा है, अभी बताता हूँ इसको। रो फिरो, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे पता कि मैंने वैनम और फ्लैश को भगा दिया। लेकिन मैंने उनको क्यों भगाया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तुम्हें सुननी पड़ेगी। अबे यार, मैं पहले वैनम और फ्लैश की कहानी सुन चुका हूँ और मुझे कोई नहीं सुननी। लेकिन मैं सुनूंगा, तुम सुनाओ आयरन मैन। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एग्जैक्ट क्या हुआ था। ये बात उस वक्त किया जब मैं एक हेलीकॉप्टर को चुराने के लिए गया था। उस वक्त मेरे पास उड़ने की कोई भी शक्ति नहीं थी, लेकिन मैं पता नहीं कैसे उड़ पा रहा था और मैं स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग पर चढ़ भी रहा था। फाइनली मैं बिल्डिंग पर चढ़ गया और मैंने हेलीकॉप्टर को चुरा भी लिया। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पास ये शक्तियाँ आई कैसे। फिर मैं उड़ते उड़ते मिलिट्री बेस के पास पहुँचा और वहाँ पर मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जैसे तैसे करके मैंने अपनी जान बचा ली। उसके बाद मैंने मिलिट्री बेस वालों की जीप चुरा ली और मैं जीप को लेकर बाहर चला गया। लेकिन बाहर जाते ही मुझे मिलिट्री बेस वालों ने मार दिया। बाद में पता लगा ये सब एक सपना था। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जिंदा था, लेकिन मेरे पास कोई भी शक्तियाँ नहीं थी और ना ही मेरे पास आयरन मैन का सूट था। बाद में मैं अपनी खतरनाक वाली बुलेट को लेकर बाहर कुछ खाने के लिए गया। जैसे ही मैं बर्गर वाली शॉप में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे सुपर विलन थे और वो बिना बात की सबको मारी जा रहे थे। ये नूबड़ा कौन है, इसे भी मारो। मुझे मारोगे तो बहुत पछताओगे, ये लो। ये तो हमको भी मार रहा है, सब मिलके मार दो इसे। उन सब ने मिलके मेरे को बहुत मारा, लेकिन वहाँ पे एक अच्छा आदमी भी था जिसने मुझे बहुत सारी पावर्स दी और मुझे एक आयरन मैन का नाम दिया। इसके पास इतनी पावर्स कहाँ से आई, मार दो इसे। फिर मैंने वहाँ के सभी बुरे लोगों को मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके मैंने उस सिटी में से सारे बुरे लोगों को मार दिया। फिर मुझे वहाँ पे कैप्टन अमेरिका मिला और उसने मुझे कहा, आयरन मैन तुमने सब बुरे लोगों को मारकर बहुत अच्छा काम किया, पूरी एवेंजर्स की टीम तुम्हारे इस नेक काम से बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा प्रमोशन किया है, तुम्हें दूसरी सिटी में भेजा जाएगा और तुम्हें उस सिटी के सभी बुरे लोगों को खत्म करना है। फिर मुझे वो सिटी छोड़नी पड़ी और मैं दूसरी सिटी में चला गया। दूसरी सिटी में मुझे बहुत सारे और बहुत ही खतरनाक बुरे लोग मिले, लेकिन मैंने उन्हें भी खत्म करना शुरू कर दिया। कौन है तू? तू हम सबको मत मार, वरना बहुत बुरा होगा। तुमने मुझे मार के अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारा बुरा होगा। ये तो सच्ची में बहुत खतरनाक है, अपने बॉस को बताना पड़ेगा। तेरे पास अभी भी टाइम है, सुधर जा वरना अपने बॉस को बता दूंगा। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि मैं उसको ही खत्म करने आया हूँ। तो फिर तेरी इच्छा पूरी हुई, मैं आ गया, ये ले। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, उसको मारना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और मैं उसे तब तक मारता रहा जब तक मार सकता था। अभी मेरी बारी, ये ले। आयरन मैन तू मुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तेरा खेल खत्म, तू मरने वाला है, जल्दी से मरने के लिए रेडी हो जा, ये ले। फिर मैं उन सभी लोगों को मारता गया जो कि बहुत बुरे थे, बुरा काम करते थे। जब मैं 99 इयर्स का हुआ तो मेरे पास अनलिमिटेड शक्तियां आ गई जो कि मेरे किसी काम की नहीं थी। फिर मुझे कुछ दिनों के बाद पता लगा वैनम और फ्लैश ने एक बुरी शक्ति बनाई है और उस बुरी शक्ति को वो तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर करना चाहते थे। ये बात सुनते ही मैं वाइस टाउन के लिए निकल पड़ा। अगर तुम वैनम और फ्लैश से ये पावर ले लेते तो तुम बुरे इंसान बन जाते। हाँ वो सब तो ठीक है आयरन मैन, लेकिन ये इतनी बड़ी कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे सीधा भी तो कह सकते थे कि वो एक बुरी पावर है, उसे मत लो। हारो फिरो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।